Magar in good evening friends. I'm an alcoholic. My name is Krishna. Hey Krishna. NICC ka mubarak 15 saal ka. Usme 10 saal hamara jitni aapke sath chalta raha. Thank you. Magar NICC mein kafi bahut bada sadist bahut hai yaar. Saal itne acche mausam mein itne acche khana khila ke mere ko la ke podium pe khada karte hai. Mera resentment note karo chairman. फला पाठ वेटी वेटी सब्जेक्ट साला चोरों को बात करने की ज्यादा प्रॉब्लम अपन खड़ा करके आके उसका सोल्यूशन उन लोगों को अपन बता रहे देखो बट द थिंग इज द बेस्ट सोल्यूशंस आर ऑलवेज फाउंड इन ग्रुप कॉन्शियस दिस इज व्हाट दिस थिंग बेसिकली एस्पेशली फॉर माय एल्की फ्रेंड्स मुद्दा ये है कि अपन लोग अपना जिम्मेदारी क्यों बोले तो अपना प्राइमरी पर्पस एक ही था वेयर विल आई गेट माई अगले ड्रिंक तो बीवी क्या कर रही बच्चे क्या कर रहे उसको तो सोचने की दिमाग क्या है उसका पैसे उसके जेब में से पैसे कैसे मारना वो भी देखता था मैंने पॉकेट मनी देता था 3000 रुपए का बेचारा उसको 3000 रुपए बहुत संभाल के रखता था जब मैडम मुझे टाइट करती थी उसका जेब मुझे काम आती थी ये चल को पीछे करेंगे तो ये हाल था तो उसकी परवरिश करने की वक्त का आता है यार अपने पास अभी वापस आके ऑटोमेटिकली देर इज नो नॉर्मलसी ऑटोमेटिकली अपने आप सिचुएशन सुधर नहीं जाता फिर कैसे बन जाएंगे भाई जब अपने दुम अपन सीधा करेंगे तब ना फर्स्ट लेट अस बी रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेल्फ तब फैमिली की व्हाट वी टेल द न्यू कमर्स रिकवरी फर्स्ट अगर आप आपका रिकवरी सीधा नहीं लेंगे तो दूसरों को क्या देंगे भाई आपका खुद आपका रास्ता मालूम नहीं है तो बच्चों को रास्ता दिखाने चले आपकी रास्ता बताएंगे आप एंड दैट लीड्स टू वेयर राज टू द बार रूम वो तो नहीं चलेगी अले नाम तो मानेंगे नहीं सो दैट इज सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है और दूसरी बात है भाई दिस इज अ फैमिली डिजीज उन लोग तो ना नहीं करने वाले साला तुम लोग शीशे के पीछे भाग रहे हो वो लोग तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं हाँ जी सर आज सचमुच उनका तबियत ठीक नहीं है आज आ नहीं पाएंगे क्यों बोलते तुमने होके सो रहा है नहीं उनका नानी गुजर गए नानी गुजर जाके 15 साल हो गए ऑल ऑफ अस वी वेंट बेचारे उन लोगों को जरूरत ही नहीं है ये सब झूठ पढ़ना पड़ रहा है सो देयर आर द सिक तो हाउ कैन टू सिक पीपल टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट येट सिक इतने नौजवान को देखता हूं रियली समटाइम्स आई फील वेरी हैप्पी एंड लिटिल बिट ऑफ ट्विंज ऑफ जेलसी उन लोग इतने जल्दी प्रोग्राम में आ जा रहे हैं जो बच्चे अभी पैदा नहीं हुए और जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, दे आर नॉट एक्सपोज टू द वैगरीज ऑफ द रेस थैंक्स टू बॉस ऑल ऑफ यू योर गॉड्स ग्रेस मैं बोलता हूं व्हेनेवर आई सी ए यंग मैन कमिंग टू दिस थिंग मगर उसे बनाए रखना पड़ता वी आर नॉट दैट फॉर्चुनेट आवर चिल्ड्रन हैव सीन द वर्स्ट ऑफ आवर अल्कोहलिज्म एंड आज भी मैं जो पीछे आ रहे उन लोगों को बोलता हूं बॉस सीधा हो जाओ बिकॉज अदरवाइज बिफोर यू पास ऑन दिस अनमैनेजेबिलिटी टू द नेक्स्ट जनरेशन आ जाओ प्रोग्राम में और प्रोग्राम में आने का मीटिंग में आने का दारू से एक दिन दूर रहने का ये नहीं है और कौन बोला है इफ यू वॉन्ट वॉट वी हैव एंड आर विलिंग टू गो टू एनी लेंथ टू गेट इट देन हियर आर स्टेप्स वी टुक व्हिच आर सजेस्टेड एज अ प्रोग्राम ऑफ रिकवरी और कुछ बोला है और कुछ बोला गया तो तब अपना तुम ठीक करेंगे तभी तो उनका कुछ सोचेंगे ना एंड इट इज ऑल अबाउट रिपेयरिंग रिलेशनशिप अपना रिलेशनशिप अपना हायर फोर्स से अपने आप से देन अपना पार्टनर से जब सीधा होगा देन तू भाई भाई खत्म हो जाएगी घर पे क्यों बोले तो चिल्ड्रन ऑल्सो दे नो बॉस इन एन अल्कोहलिक फैमिली चिल्ड्रन डू मैनिपुलेट पापा के अगेंस्ट मामा को मामा के अगेंस्ट पापा को सीधी सी बात है
पापा ना बोलता है ये जो मम्मा का टिक है चलो पहले मान देंगे, तो मम्मा के पास तो डालेगा नहीं, डालेगा तो साले को खाना नहीं मिलेगा, तो चलो चलो तो उसके लिए देन यू हैव टू टॉक इन वन वॉइस, और उसके लिए तुम्हारा खुद का रिलेशनशिप सीधा करना पड़ेगा, और तब रहेगी एटलीस्ट वन मील टुगेदर। एक मील साथ में जब वो परिवार अगर खाएंगी 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। अ फैमिली विच ईट्स टुगेदर विल हैव लेसर स्टेज टुगेदर एंड विल हैव लेसर प्रॉब्लम्स। कहीं भी जाओ भाई, सी सम ऑफ द बेस्ट बिजनेस हाउसेस, यू नो इट, द बिरलास ब्रेकफास्ट, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, बाद में जाओ, ब्रेकफास्ट के साथ सबके साथ मिलके खाना है। व्हाई? बिकॉज इवन टुडे दे आर रनिंग द कॉन्ग्लोमरेट्स, फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, थर्ड कजिन, फोर्थ कजिन, फर्क नहीं करता क्यों? और मियां बीवी दो बच्चे साथ में खाने का खाना खा नहीं सकते एक वक्त का? ऑफ ऑल द थ्री मील्स कांट वी हैव वन मील टुगेदर एज अ फैमिली? फिर अपनापन कहां से आएगी भाई? पापा विल बिकम एन एटीएम, मम्मा विल बिकम ए स्विगी और कौन सा फूड जोमैटो, बस उतरे भी रहेंगे ना। जब मामा पापा जो कर रहे हैं अपना अच्छे के लिए है, दिस इज व्हाट इट इज। व्हेन यू स्पीक इन वन वॉइस द चिल्ड्रन रेस्पेक्ट। पहले आप अपने आप में तय कर लो इसको क्या, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन। पहले ग्रुप कॉन्शियस आप लोग ले लो। व्हेन माय स्पॉन्सर टोल्ड मी वो 6-7 साल पहले दैट स्टार्ट यूजिंग ऐसे देखा commit additions in all affairs of your life, not just a, that will go a long way in making this thing. Steps are only elementary school, the actual spiritual principles are embedded in the tradition. Bol ke bola gaadi mein ja rahe the, mai ekdam aisa dekha, kya baat kar raha hai sala, pagal to nahi hua? Aise dekha, come again, bola yes, God willing he became my sponsor, he made me practice the traditions. Today, I unabashedly and unashamedly practice the traditions in my home, office. ये में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है चले। अगर घर पे तो चले आते। क्योंकि when I look at common welfare, when I look at group conscious, 90% of the problems are over. And the more I do it, the more is the confidence I get from the members of my family. Boundaries key, yes, you should lovingly and caringly tell that this is acceptable but this is not acceptable. Haan bhai, jao bahar jao, 11 ke pehle aa jao. Haan, ek aad pig maarte ho, theek hai, but you have a tendency, genetic tendency. Please don't let your life become like mine. You have a live example. But phir bhi aap, if you want to test something, fine, don't drive. Drinking and driving is a no-go. And let there be openness. Unko jhoot bolne pe majboor mat kar. Jab aap akad ke rahoge ki I want this. Sala bechara number kaun sa? Tisra rank aaya. Avval kyun nahi aaya sale? Tera progress report dekhe to sale 34 mark mein tere ko grace mark dal ke pass kar rahe. Tere ko avval number ka beta chahiye. Kaise? पापा मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं, इंजीनियर तो हर एक जगह, हर एक गली में 4-4 इंजीनियर है, क्या करना? मेडिसिन करो, उसके लिए मेहनत कितना करना पड़ता है मालूम है? फॉर एवरी 1 लाख ऑफ इंजीनियर सो देयर आर ओनली 100 डॉक्टर्स। बोलो तो इतने ही सीट है, उसकी मेहनत कितनी है और कितनी साल की पढ़ाई है, कुछ सोचा है? 5 years ऑफ मेडिसिन, 1 year ऑफ हाउसमैनशिप, तब तो दे आर इक्वल इन टू कंपाउंडर्स और नर्सेस आजकल की मेडिसिन। फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 1 साल उसके साथ काम करना, बोले तो 9 साल हो गए, कभी भी नो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मेक मनी। देन 3 years ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, तब लक अच्छा रहे तो प्लस मनी।
और उसको उधर ढकल रहे हो, यू वेरी अल्कोहलिक ग्रैंडियस्ट फेलो, उसका नाम है तो तूने पिया, उसका जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? कभी पूछा है बेटा तेरे को क्या चाहिए, क्या करना चाहते हो? उसको बायोलॉजी में 40 मार्क आता है, उसको मेडिसिन बनना है। मैथ्स में 99 आता है, उसको इंजीनियर नहीं बनना है, क्या करना है? देखो ना आप बच्चे का एप्टीट्यूड तो देखो। कभी पूछा है बेटा क्या क्या करना चाहते हो? Have you discussed with them, these are the these things, ये इसमें ये रहते हैं? दोस्त बनने की कोशिश किया है? क्योंकि अपन पैदा क्या है, उसका बॉस है। कभी बाप का बात सुना है तू? तो तेरा बेटा कहीं कुछ सुनेगा? वही झड़ के पप्पा ले ना, फिर क्यों सुनेगा भाई? जिंदगी में कभी बाप के साथ अपन नहीं सुने, अपना बेटा पूरा अपना बात सुनेगा, कहां से आएगा? नहीं आएगा, दोस्त बनना पड़ेगा, वहां से हेल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि तू समझता है, सी आई यूज टू थिंक डिस्पाइट माई अल्कोहलिज्म आई हैव गिवन द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट फादर। जो बाप एक बेटे को जो कुछ भी दे सकता था दे दिया, आई जेन्युइनली बिलीव इट। फर्स्ट ईयर ऑफ रिकवरी में व्हेन आई वाज इन ट्रीटमेंट सेंटर, मेरे पैसा 15,000 किलोमीटर दूर में था, बाजू वाला कंट्री आया था, दो दिन के लिए हैदराबाद आया था, एक घंटा के लिए जो ट्रीटमेंट सेंटर में था मेरे को देखने के लिए आया था। ट्रीटमेंट सेंटर वाले, उसका माँ, सब लोग बोलने के बावजूद ही रेफ्यूज टू सी मी। उसने कहा जब इस आदमी ने मेरा बात करने के लायक जब बनता तब सोचू, तब तक के लिए उसके बेटे होने का फर्ज निभाऊंगा बस। डिड आई रियलाइज द डैमेज आई डन टू माई सन? नो। जितने जितने आधी रात में कौन सा बार में ढूंढते गया, क्योंकि उसके माँ विदाउट डिनर शी वाज सिटिंग ऑन द डिनर टेबल। दोस्तों को घर लेके नहीं आता था, मैं उसको पूछता था हर एक बार, दोस्तों के घर तू ही जाता है, तेरे पास क्यों नहीं आते? ही डिड नॉट वॉन्ट हिज अल्कोहलिक फादर टू बी सीन बाई हिज फ्रेंड्स। समझने की कोशिश ही कहां करे यार, प्रॉब्लम हुए। अब पहले उसके साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करो। बाल सफेद हो गए, सफेद होने का एक्सपीरियंस, द फर्स्ट राइट ऑफ योर एक्सपीरियंस इज योर ऑफस्प्रिंग्स। घर में तुम्हारा बच्चों को है तुम्हारा एक्सपीरियंस के, डिस्पाइट ऑल आवर अल्कोहलिज्म वी हैव गेन्ड एक्सपीरियंस इन लाइफ, वी वांट टू शेयर इट विद देम। एंड डोंट थिंक दैट जस्ट बिकॉज यू आर ब्रिंगिंग इन फ्यू रुपीज धंधा करके नौकरी करके 10 पैसे घर में लेके आ रहे हो, यू डू नॉट ओन ऑल दैट मनी। अपने को जो कोई भी हक नहीं है कि समझने का ये मेरा इनकम है, ये मां बेटे बैठ के खा रहे, नहीं। क्यों भाई? कभी कैलकुलेट करे हो, 7-8 घंटे के पगार लेते हो, 1-2 लाख रुपए लेके जाते हो, एंड आई एम ब्रिंगिंग इन बोलते हो, व्हाट इज द लेडी डूइंग एट होम? सुबह चाय बनाने के लिए, चाय लेके आने के लिए, बाद में तेरा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट टेबल पे लगाने के लिए, तेरे बेटे को फीड करने के लिए, बाद में तुम लोग स्कूल और ऑफिस जाने के बाद वापस लंच पे आए तक तुम्हारा लंच बॉक्सेस तैयार, शाम में आए तक तुम्हारा डिनर तैयार, कपड़े इस्त्री, मोजे, कर्चीफ, टाई, सूट, कभी अपने आप कही हो? ये सब चीजों के लिए एक एक को हिसाब करो, ड्राई क्लीनर्स, ये सब। सबसे बड़ा खानदान छोड़ के, अपना सरनेम छोड़ के, पिताजी या कोई बताए बोल के, विद ट्रस्ट तेरे हाथ पकड़ के तेरे घर आ गए, नाम तक चेंज कर ली, विदाउट एनी आयट ऑफ दिस थिंग, शी हैज गिवन हर सोल एंड बॉडी टू यू, शेयर द बेडरूम, द बेड, एंड तेरे खानदान बढ़ने के लिए अपना कोक से जन्म दी भाई, उसको कैन यू पुट ए प्राइस ऑन दैट? फिर ये पैसा तेरा कैसा हो? दे हैव एज मच राइट ऑन दैट मनी एज यू हैव इट और आई हैव इट, इज इट नॉट? जब वो रियलाइजेशन आपको अपने को आएगी तब उनको सलाम मशवरा पूछेंगे, नॉट यस। एंड व्हेन बोथ ऑफ यू टॉक इन वन वॉइस, ब्लडी हेल द चिल्ड्रन विल लिसन, दैट इज द यूनिटी ऑफ द फैमिली। पहले परवरिश का बाउंड्रीज अपने आप तय कर लो,
दिस इज अ कोहेसिव थिंग, अपने अपने में मुट्ठी बंद रहे तब ताकत है, एक एक में नहीं। और दूसरी बात है, अरे यार मेरे घर वाले ऐसे नहीं है, साला तेरा बाप का घर वाले पूरे वैसी है। हाँ जी मैं बोलूंगा बाजू लाके, तेरा मम्मी का घर वाले पूरे गधे हैं, पूरा इंटेलिजेंस अपने स्तर पे। किसको रेस्पेक्ट करेगा? बेटे बोलेगा वो गधे है, ये बेवड़े है, तो दोनों दोनों को देखो। वाई ही हैज इनहेरिटेड योर जीन एंड देयर, सो वाई डू यू वॉन्ट टू बी लिटिल? शादी में अपना बनाना चाहिए, तेरा मेरा पे तो चलते रहे, किसी की भलाई नहीं, किसी की भलाई नहीं उसमें। जब अपना अपन, दैट इज वेयर योर प्रोग्राम कम्स। सुबह राज और चंद्रा बोल रहे थे, रिलीज फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ, आई मी माई सेल्फ। सर उसे तो उभर के तो आओ बाहर, अपने आप में शक्ति नहीं है उसमें, पकड़ो पहले अपना स्टेप, प्रोग्राम सीधा कर दिए, देन यू आर रिलीव्ड ऑफ दैट सेल्फिशनेस। मैं एक बात पूछू, आज मेरे को खाली 3 अकाउंट है बैंक अकाउंट, पहले मेरे को 30 अकाउंट रहते थे, जरूरत थी यार। क्योंकि साला कौन सा अकाउंट पे कौन सा नजर डाल के वो बंद कर देती बोल के मेरे को डाल, उसको पता रहे सो एक एक अकाउंट को, उसको पता रहे रहे सो दो दो अकाउंट रखता था। उसको समझ में आए तो वो इतना चालू है, मेरे से एक कदम आगे रहती थी, पूरा पूरा कार्ड ब्लॉक कर दे के कुछ ना कुछ करके की पीछे खींचना, भाई उसको पता नहीं है सो 4-5 कार्ड और लगा रहे। आगे जाके ये करा, मेरा ड्राइवरों को भी कार्ड दिलवाने लगा है। साला कम से कम पकड़ा नहीं जाता, आज वो नौबत नहीं है। जो कुछ भी सामने है, नो प्रॉब्लम। इफ देर इज एक्सपेंस इट इज आवर एक्सपेंस, इफ देर इज इनकम इट इज आवर इनकम। एंड रैदर देन बाइंग फॉर माई सेल्फ, आई वुड रैदर बी हैप्पी इफ शी आर हर सन बट बाय समथिंग फॉर देमसेल्फ्स। I said that if you can buy anything, no problem. I have no issue. कल के दिन अरे ये वेस्ट कर दिया है वो, I don't have an issue. क्यों बोले तो मेरा सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर रीजन तो गई। साला मैं दारू के सिवा मेरे पास कोई एक्सपेंडिचर था ही नहीं, ठीक है। एक जाके अकेले में जाके एक प्लेट इडली नहीं खाता हूँ, अकेले में जाके एक चाय नहीं पीता हूँ, कुछ भी नहीं। मेरा सिगरेट पैकेट मेरा जेब में है तो मेरे को 10 पैसे जेब में रहे तो भी नहीं रहे तो भी परवाह नहीं, चले जाओ, तो और क्या चाहिए। भाई बोला जो कुछ भी है तुम्हारे, चलो करो बोल करो, नो प्रॉब्लम। कोटि का रजिस्ट्रेशन भर रहा है साथ में भरते। तो चुप भी नहीं करना है, बट द थिंग इज टूडे आई डू नॉट हैव डायरेक्टली टू टेक केयर ऑफ एनी सपोर्ट माई चाइल्ड, नो प्रॉब्लम। But the thing is, God for the, he is doing well for himself. But the thing is, some of my sponsors, like, you know, I have fellow member, IIT, IIM, Harvard, Stanford, a profile. Apna hi banda, theek hai? Mrs. Again IIT, again IIM, one of the largest multinational technology companies, she is a director. एल्डर डॉटर, शी इज अ डॉक्टर, सीधा मेरिट में वो भी वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड नेशनल इंस्टीट्यूशन में मेरिट में धन गिर गए आ गए। दूसरा बेटी को वो इंजीनियर बनाने में लगे। एंड आई विल टेल यू दैट गर्ल, मे बी अनदर 10-15 इयर्स वी विल हियर हर नेम इफ शी फ्लावर्स प्रॉपरली इन वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, पेंटर्स इंडिया के जाने माने पेंटर्स में तो आना ही चाहिए वो बच्ची को। उसको ये बंद करके ये साला लेके जाके आईआईटी में लगाने डाले। मैं एक दिन उन दोनों के सामने बोला, अबे दीवार पे मारे तो 10-10 इंजीनियर कर रहे हैं भाई आईआईटी वाले। ये भीड़ में चला रहे, वी कैनॉट प्रोड्यूस वन MFSM, वी कैनॉट प्रोड्यूस वन रवि वर्मा, योर चाइल्ड हैज गॉट समथिंग एंड शी इज सो पैशनेट अबाउट इट। बट इतने पढ़ते पढ़ते भी इन लोग ना नहीं कहते शील्स टी कटनेस। अगर तुम्हारे को दिमाग है वहां एंकरेज करना।
this year, on merit, she got her seat in Singapore School of Art. Okay. But bande to sune, and she is the only Indian candidate who got that. बोले तो पूरा देश भर में जो इतने तक उसको टैलेंट है उसे छोड़ के साला आईआईटी में इंजीनियर बनाने चाहते. दैट इज वेयर अपना बच्चे को क्या चाहिए, उन लोग खुश कैसे रहेंगे, इसका सोच. एंड टू ब्रेन्स आर बेटर देन. माँ बाप के अलावा और कौन सोच सकता है? बाप अकेला नहीं सोच सकता, माँ भी अकेले नहीं सोच सकती. जब ए रियलाइजेशन आई देन वी विल बी एबल टू क्रिएट बाउंड्रीज रियलिस्टिकली. अगर बाउंड्री बहुत नजदीक हो गई दम घुटता है बच्चे का, और बाउंड्री बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो पंची उड़ जाएगी. साला अलकल के बेटे भरोसा नहीं कर सकते. तो बस सोच लीजिए. थैंक्स फॉर लेटिंग मी.